अचानक से मेरे घर में गैस खत्म हो गई। फिर मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया कि आज क्यों ना हम धूप से मैगी बनाएं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज समय था बड़ा बेहतरीन। हमारे उत्तर प्रदेश में धूप हो रही थी, आपको जादू दिखाना था। 1 2 3 और मेरे हाथ में आ गई ये मैगी। लेकिन अभी कुछ चीज की और जरूरत थी। 1 2 3 ये आ गया हमारा हेल्पर, जिसकी हाइट बहुत कम है। हमारे हाथ में पैन था, मैगी था। हम जा रहे थे छत पर और छत पर टाइम हुआ था दोपहर के 12। सूरज देवता अपनी चरम सीमा पर निकले हुए थे। धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, हमने समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी प्रोग्रेस शुरू कर दी। सबसे पहले हमने मैगी डाली, उसके बाद उसमें डाला पानी। धूप बहुत ज्यादा होने लगी थी, उसके बाद हमने उसमें मसाला मिलाया जो मैगी के साथ आता है। उसको मिलाने लगे, फीलिंग आ गई दाल चावल वाली, तो दाल चावल की तरह खाने लगे। लेकिन नाना, इसको तो रखना है भाई। इसको रख दिया आते 2 घंटे बाद, और किसी तरह 2 घंटे हो गए। जब 2 घंटे हुए तो जो रिजल्ट था ना, वो एकदम शॉकिंग था। आप देखकर कांप जाओगे। मैं ट्राइपॉड रख के चला गया था, और जब मैं पास गया तो भाई ये क्या, मैगी बन के रेडी थी 2 घंटे में, और वो भी एकदम गर्म थी भाई। देखने में धुआं, हटाओ तो धुआं उड़ रहा था। हार्दिक को यकीन नहीं हुआ, कहा चाचू तुम तो साइंटिस्ट हो यार। मैंने भी अपने आप को देखा, हमने कहा भाई ये सब पहले पता होता ना तो आविष्कारक बन जाते, न्यूटन सब फेल कर देते सबको। किसी तरह हमने मैगी खाई, और मैगी का टेस्ट आपको बता दे भाई, ये गैस वैस सब भूल जाओगे। कल से सब्जी चावल दाल चावल रोटी सब हमारे घर में भैया सोलर से सूरज देवता की मदद से बनेगा। भाई क्या टेस्ट था, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना। जय हो सूरज देवता की जय। सूरज देवता से गुस्साना नहीं चाहिए, आप लोग भी अपने घर में ट्राई करो।